अच्छा भाई, मैं एक चीज़ नोटिस की मैंने, देखो हनी भाई के मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत सारे जो देख रहे हैं वो भी हनी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप भी हनी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हो, उनकी तारीफ़ करते रहते हो। अभी जो उनका गाना आया था कम बैक सॉन्ग, दिल चोरी साडा हो गया, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा था, फिर उसको तोड़कर एक वीडियो आया अमित भडाना का जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पहुँच गया, इसके बारे में बताओ। अरे भाई, हनी भाई के बहुत फैंस आपके पीछे पड़ गए थे। अरे भाई, सबसे पहले तो हनी पाजी की तबीयत बहुत अच्छी है, मैंने सुना जाना उनके बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी तबीयत ठीक है, मुझे इसी से बड़ा सुकून मिला। और मैं तब बड़ा, जब उनकी तबीयत भी ख़राब थी तो मैं भी थोड़ा परेशान रहता था कि यार इतने अच्छे हमारे इंडिया के इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं तो स्कूल टाइम से उन्हें सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख सा होता था। अब उनका कोई गाना था, मेरी वीडियो आई, ऊपर नीचे चलता रहता है, बाकी हनी पाजी और हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाजी हमेशा दिल में रहते हैं, ट्रेंडिंग लिस्ट भूल जाओ। और उनके फैंस को भी पता है कि मैं पाजी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं हर जगह उनको, और मैं तो बहुत जल्दी चाहता हूँ कि वो जल्दी से कम बैक करें। मुझे कुछ वो नहीं है कि मुझे उनसे कुछ, मैं ना मिला उनसे कभी, ना कुछ वो है, लेकिन कम बैक करें। सबसे बड़ी बात है उनकी सेहत अच्छी रहे, बस। अगर वो खुशहाल हैं तो भाई बढ़िया, उनका परिवार भी खुश रहे, वो खुश रहे, बस। और बाकी भाई से कोई कंपटीशन नहीं है पाजी से। ठीक है।